नमस्कार साथियों, मैं योनेश गुप्ता है, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप लोगों के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे भी कल टेक्नीशियन का परसों टेक्नीशियन का फॉर्म निकला था, और बच्चों टेक्नीशियन के सिलेबस से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 40 क्वेश्चन, जी हां आपने एकदम सही सुना, 100 में से 40 क्वेश्चन हमारे साइंस के पूछे जाएंगे। अब आप ये बता दो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं आपको 40 में से कम 35 प्लस नंबर दिला दूंगा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़ते जाइए, डेली क्लास करते जाइए, 40 में से आप 35 नंबर अपने पट्टे कर लो, तो आप ये बताओ 40 में से आप 35 नंबर इधर ले आइए, और बाकी बच्चे वो 60 क्वेश्चन थे, सर उन 60 क्वेश्चन में से आप 40 नंबर वहां ले आइए। अरे मेरे भाई, इन दोनों को मिला के 75 क्वेश्चन तो हो रहे ना, 75 नंबर तो हो रहे ना, बस इतना ही आप लोगों के सिलेक्शन के लिए इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो मेरे भाई, अब हम लोग यहां पर 40 क्वेश्चन की डेली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने पहले एएलपी का फॉर्म भर रखा, जिसमें कह सकते हो उनके 20 क्वेश्चन साइंस के आने, जिन्होंने टेक्नीशियन का फॉर्म भर रखा 40 क्वेश्चन साइंस के आने, सर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्या बात है, तो एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ये जो 40 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है, अरे मतलब 40 नंबर की गारंटी अब मेरी है, 40 नंबर की जिम्मेदारी मेरी है, डेली क्लास करते जाइए, इसमें से कम आप 35 प्लस नंबर जरूर लेके आएंगे, क्लियर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर जो भी हमारी साइंस होगी वो 10वीं स्टैंडर्ड पे होगी, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, और लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, क्लियर है। तो स्टार्ट करें भाई, थोड़ा 40 क्वेश्चन हम लोग को डेली सॉल्व करने, और आप सब लोग एक काम करना, ये 40 क्वेश्चन में से कितना तुम्हारा आज सही हुआ, 35 क्वेश्चन सही हुआ, 32 क्वेश्चन सही हुआ, या फिर आपका 40 क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ, वो क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आप सब लोग आज से कसम खाते हैं हम लोग कि ये 40 में से इतना बढ़िया करने वाले हैं कि कम से कम हम 35 प्लस जरूर लेके आए। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, पहला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए, आज के पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, लगभग मेरी क्लास 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक जा सकती है, तो 1.25 घंटे की ये क्लास रहेगी, क्योंकि 40 क्वेश्चन बढ़िया 40 क्वेश्चन रहेंगे। अरा चलिए, क्या बात है, तो जितने भी बच्चे नए हैं पहले एक बार सेशन को दबा के पहले एक बार शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, बताइए आइडेंटिकल ट्विंस, अरे समान जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बताइए आइडेंटिकल ट्विंस कैसे पैदा होते हैं। तो बच्चों पहले आपको समझना होगा जुड़वा बच्चे, जब मैं बात करता हूं जुड़वा बच्चों की, तो जुड़वा बच्चे लड़कों भी हो सकते हैं, लड़कियों भी हो सकते हैं, लेकिन जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं, तो कहना जब ओवम, सर जब ओवम कह सकते हो स्पर्म से जाके मिलता है, तो मेरे भाई स्पर्म से जाके मिलता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। लेकिन अगर यही जाइगोट दो टुकड़ों में टूट जाए, अगर यही जाइगोट दो टुकड़ों में टूट जाए, और ये इंडिविजुअल रूप से ग्रोथ करने लगे, अरे ये इंडिविजुअल रूप से ग्रोथ करने लगे, तो मेरे भाई ध्यान रखना जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे में से दो हमारे लड़के हो सकते हैं या फिर दो लड़की हो सकती है। इसीलिए सवाल का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। देखिए कि जो भी हमारा डिंब है, खुला शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, और देखिए समान युग्म में स्वतंत्र रूप से विकसित होने वाली दो अलग अलग कोशिकाएं में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, सी वाला आंसर इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्या बात है, एक बार कमेंट करके बताइए, बात सबको क्लियर हो गई, फटाफट जल्दी से बताइए इस बात को। अरे अब देखो ये वाली एक क्रिया है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, दो शुक्राणु जब एक अंडाणु को निषेचित करते हैं, ध्यान से सुनना कैदे के साथ, मतलब एक हमारा ओवम हो हरा और दो हमारा क्या हो स्पर्म हो। मेरे भाई अगर एक ओवम है दो स्पर्म है, तो याद रखिएगा आपके गर्भाशय में लड़का और लड़की ये दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। ये क्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए अगर लड़का और लड़की एक ही गर्भाशय में डेवलप होना है तो कितने ओवम कितने स्पर्म चाहिए, तो ध्यान रखना वहां एक ओवम और दो स्पर्म चाहिए, क्लियर है। तो फिलहाल इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलिए भाई कमेंट करके बताइए क्लियर है, आगे बढ़िए नेक्स्ट ये लीजिए, कितना बढ़िया सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा केमिस्ट्री का सवाल, स्पीड बढ़ाइए भाई, हम लोगों को डेली 40 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखिएगा, भगवान करे मेरे भी जुड़वा बच्चे हो। अरे पढ़ लो ऐ बीबी बच्चे, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, भूल रहे वो डाना अभिषेक बच्चन का सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए बताइए इनमें से कौन सा हमारा सही नहीं है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अरे सर बचपन से जवानी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है।
धातुएं अधात वर्तनीता तन्न होती है, मैलेबल और डक्टाइल होती है। यस, ये भी सही है। सर धातुओं के कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी मेरे भाई एकदम सही है। आपको पता है, आप चाहे सोडियम की बात करें, आप चाहे मैग्नीशियम की बात करें, आप चाहे एल्यूमिनियम की बात करें, सर ये तीनों धातु हैं। और अगर आपसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है तो देख लीजिए सर, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, ये भी सही है। सर धातुएं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। गलत, गलत। बच्चों जितनी भी धातुएं हैं धारकना वो एक ही तरह का बॉन्ड बनाती है। और बताइए वो बॉन्ड कौन सा होता है? तो कहना वो बॉन्ड होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। तो ये वाला ऑप्शन गलत है और गलत वाला सही। क्लियर है? चलो क्या बात है, ये लीजिए अगला सवाल। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई, पूरा साइंस है। साइंस का मतलब केवल एक ही चीज नहीं, ध्यान रखिएगा इसमें ना हर एक चीज मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मिलेगा। क्या बात है, वेरी गुड मोनू कुमार, दीपक जहरीला। अरे जहरीला कमेंट थोड़ा सोच समझ के करना, नहीं तो मैं भी ना अपने अंदर से बहुत भयंकर वाला जहर निकालता हूं, उस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कमेंट ना बड़ा सोच समझ के करना। चलो सवाल देखिए क्या है। जैसे ही आप उत्तल दर्पण से वस्तु को दूर ले जाते हैं तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा? क्या बात है बच्चों, इसके लिए ना आप लोगों को एक उत्तल दर्पण बनाना होगा। ये देखिए मैंने आपके सामने एक उत्तल दर्पण बनाया। क्या बात है सर, ये उत्तल दर्पण है। हमेशा इस बात को याद रखना, उत्तल दर्पण में ये तुम्हारा पोल होता है, ये तुम्हारा फोकस होता है और ये तुम्हारा सेंटर। अब अगर वस्तु यहां कहीं है, ये वस्तु है, तो इसका इमेज पोल और फोकस के बीच बनता है। याद करो पोल और कहां के बीच बनेगा? फोकस के बीच। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, जैसे ही आप किसी वस्तु को उत्तल दर्पण से दूर ले जाते हैं, मतलब वस्तु को दूर। अब देखो सर, ये होता तो वस्तु दर्पण के पास जा रही, पास नहीं, पास रही, दूर वस्तु को ऐसे ले जा रहा है, आओ चाहो कहीं दूर चल चले। तो बच्चों यहां पर दूर ले जाना मतलब इनफाइनाइट में ले जाना। तो बच्चों जैसी वस्तु इनफाइनाइट पहुंच जाएगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस में। अरे बोलो, तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा। क्लियर है ना? तो इसका प्रतिबिंब किसकी ओर गति करेगा? तो प्रतिबिंब तो एक तो फोकस की ओर गति करेगा और दूसरा आप कह सकते हो कि इमेज छोटा बन जाएगा। तो बनने वाला इमेज छोटा होगा और कहां पर बनेगा? सर फोकस पे बनेगा, फोकस पे। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था। जब वस्तु को दूर ले रहे तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, अच्छा सबको समझ में आ रहा है? देखो आप लोग को समझ में आनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। और कॉपी में नोट बनाते रहना 40 क्वेश्चन डेली, और डेली जो है कह सकते हो 40 क्वेश्चन का अभ्यास करिए और डेली रिवीजन कीजिए। सवाल देखिए, और यही वो फैक्टर होगा जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। 100 में से 35 गारंटी लेता हूं। सवाल देखिए क्या, 14 नंबर बच्चों लिखा है 2 ओम में से 3 प्रतिरोध है, मतलब 2 ओम के कितने प्रतिरोध है? कहा जा रहा है कि सर 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, पहला दूसरा और ये तीसरा। हरा सर 2 ओम के कितने प्रतिरोध है? 3 है ऐसे। और आगे लिखा हुआ है 3 ओम का प्रभावी प्रतिरोध पाना है, मतलब हमें नेट रेजिस्टेंस क्या पाना है? सर नेट रेजिस्टेंस 3 ओम पाना है। तो बताइए सर्किट में तीनों प्रतिरोध को कैसे कनेक्शन करना होगा? बोलो, मैं आपसे कह दूं कि सर मैंने आपको 3 प्रतिरोध दे दिए, 2, 2, 2 है, तो भैया नेट रेजिस्टेंस 3 ओम लाना है, कैसे कनेक्शन करना होगा? तो कहना अगर नेट रेजिस्टेंस 3 ओम लाना है तो पहले 2 को समांतर कर दो ताकि 2 और 2 का समांतर 1 हो जाए, फिर अगले वाले 2 को सीरीज कर दो। अरे देख लो भाई, बोलो तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा क्या वो हमारा 3 ओम होगा? क्या बात है, आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर इसका जाना चाहिए कि 2 को समांतर 1 को सीरीज। हरा तो आंसर जा रहा है ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस एंड 1 इज पैरेलल, 2 प्रतिरोध का एक श्रृंखला संयोजन और 1 के साथ समांतर, 2 प्रतिरोध और 1 श्रृंखला के साथ समांतर, 3 श्रृंखला, देखो 3 श्रृंखला तो गलत है, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस एंड 1 इन सीरीज, ये सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर सही है, 2 प्रतिरोध को हमें समांतर में, 1 को श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए, ये लीजिए। अरे वाह बच्चा, ये वाला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको कई सारे टर्म समझाऊंगा,
आपके एग्जाम में ना कई सारे टर्म पूछे जाते हैं है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, समझ रहे? सवाल लिखा हुआ है कि हीट फ्लो, ऊष्मा प्रवाह की दर, सर ऊष्मा प्रवाह की दर के ए डेल्टा टी डिवाइड बाई एक्स ये होती है, या डेल्टा एक्स लिख दीजिए, के ए डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। मेरे भाई इसे बोलते हैं हम लोग फोरियर का नियम, फोरियर का नियम। जब आप लोग कंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हो तब ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, फोरियर का नियम, ऊष्मा चालन की दर। अब आप मुझे ये बता दो इसमें क्या क्या टर्म है, हरा मैं बताता हूं। सबसे पहले तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, धारक ना इसको बोलते हम लोग ताप प्रवणता, लिखते जाइए ना, इसको बोलते हैं ताप प्रवणता, और इंग्लिश में लिखते हैं इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट। याद रखना इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेरे भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट। ध्यान से सुनते रहना हर एक चीज को। अब आगे टर्म सुनो बच्चों, इसके बाद हीट बटे एरिया। सर हीट बटे एरिया बताइए क्या नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है हीट फ्लक्स, ऊपर हीट बटे एरिया, हीट फ्लक्स, सुनते रहना। और एक और टर्म होता है एक्स बटे के ए, बच्चों एक्स बटे के ए धारकना इसको बोलते हम लोग ऊष्मीय प्रतिरोध। क्या बोला जाता है सर? ऊष्मीय प्रतिरोध बोलते। तो बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ना सर, इस वाले फॉर्मूले से तीन टर्म डिफाइंड होते हैं और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरे चलो अब आप बता दो जल्दी से उत्तर। तो कह रहा सर ये तो एक्स बटे के है, ऊष्मीय प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, बी वाला उत्तर होगा तापी प्रतिरोध के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब आपको पता है क्या है सर, आपको इसमें ना मात्रक भी पूछे जाते हैं। चलो पहले तो टेम्परेचर डिफरेंस का मात्रक सुनिए सर, इसका मात्रक होता है केल्विन बटे मीटर, केल्विन बटे मीटर। सर हीट फ्लक्स, सर हीट फ्लक्स का मात्रक होता है मेरे भाई वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और ऊष्मीय प्रतिरोध, याद ना जब ऊष्मीय प्रतिरोध का मात्रक निकालते देखते हैं ना क्या आया, तो मेरे भाई इसका मात्रक होता है केल्विन प्रति वाट, केल्विन प्रति वाट। तो हर एक सवाल में ध्यान रखिए सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। हरा एक बार कमेंट करके बताओ सबको क्लियर हो गया? अरे वाह ये वाला सवाल बताइए। हरा सर ऐप पर क्लास रिकॉर्ड रहेगी या लाइव चलेगी? देखो भैया जो हमारा ग्रेड वन के लिए है उसमें से कुछ लाइव होगी टीच रिकॉर्ड, लेकिन ग्रेड थ्री के लिए जो क्लास रहेगी वो हमारी सारी रिकॉर्ड रहेगी, क्योंकि अलग से रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है। ठीक है चलो अगला सवाल बताइए, जी का मान शून्य कहां है? 40 क्वेश्चन है भाई साहब, और सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सेशन को शेयर करते रहिए ताकि 40 क्वेश्चन की सीरीज मैं आपके एग्जाम तक कंटिन्यू कर सकूं। हरा तो बच्चों आपको पता है कि जी का मान शून्य कहां होता है? तो कह रहा पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर ध्यान रखना मेरे भाई जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। देखो पृथ्वी से जब नीचे आते हो या फिर पृथ्वी से ऊपर जाते हो, दोनों कंडीशन में जी घटता है, नीचे आने में भी घटता है ऊपर जाने में भी घटता है, लेकिन शून्य नहीं होता है ना। ठीक है तो इसका आंसर जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर सर जी का मान बताइए क्या होता है? शून्य होता है ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, ये लीजिए सातवां नंबर बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल है ना, सारा कुछ एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है, वेरी गुड प्रजापति क्या बात है, सुमन सुरेंद्र एवरीडे मूवमेंट क्या बात है। सवाल देखिए अगला क्या लिखा है, चार कारें ए बी सी डी एक समतल सड़क पर चल रही है, दूरी बनाम समय ग्राफ दिखाया गया है, डिस्टेंस बनाम टाइम ग्राफ दिखाया गया है, तो बताइए सही कथन का चयन कीजिए। है ना अब यहां पर देखो एक टर्म आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जैसे कि वाई एक्सिस में मैंने डिस्टेंस ले ली, एक्स एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया। हमेशा याद रखना डिस्टेंस और टाइम की जो स्लोप होती है, अरा सर डिस्टेंस और टाइम की स्लोप धारकना वो स्लोप होती है डीएक्स अपॉन डीटी, और डीएक्स अपॉन डीटी तो हम लोग बताइए किस नाम से जानते हैं सर? वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, वेट के नाम से जानते हैं। ये बात सबको क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप वेलोसिटी होता है। अच्छा सर जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब आप मुझे जल्दी से बता दो इन चारों में से किसका स्लोप सबसे ज्यादा है? तो कहना देखो सबसे कम स्लोप बी वाले का, उससे ज्यादा ए वाले का, उससे ज्यादा डी वाले का, उससे ज्यादा सी वाले का। ठीक है तो सबसे ज्यादा स्लोप सी का है, सी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम डी, उससे कम ए, और सबसे कम मेरे भाई बी। ये देखो इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए तो बताइए
कार ए कार डी से तेज है, कार ए कार डी से तेज है, गलत हो गया, देख लो चाहे कार ए कार डी से स्लो है, कार बी सबसे धीमे है, अरे वाह ये सही है, कार बी सबसे धीमे है ये सही है, कार डी कार सी से तेज है, डी को सी से तेज बोलना है गलत, कार सी सबसे धीमे है गलत, ये देखिए लॉजिक सबको क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताइए हरा, तो आंसर बताइए किस तरह जाएगा, सर ऑप्शन नंबर हमारा बी सवाल का सही उत्तर जाएगा, बस ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम की स्लोप वेलोसिटी बताती है। नेक्स्ट आइए अगला ये लीजिए आठवां नंबर है, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद राम बाबू एवरीडे जहिला, क्या बात है, कमेंट करके एक काम आप लोग करो, कमेंट का आंसर मुझे इस तरह से आंसर दीजिए ताकि मैं ये देख सकूं ना कि आप में से कौन से लोग सही उत्तर दे रहे हैं, कौन से गलत आंसर दे रहे हैं, और किस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं, किस क्वेश्चन का गलत दे रहे हैं, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, सर 1500 किलोग्राम वजन वाली कार की गति समान रूप से 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर पर घंटा होगी, तो कार के संवेग में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है चलो पहले आप मुझे बताओ, अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करते हैं तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड में कितना होगा, और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करते हैं तो इसका मतलब बताइए मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो कहना 18 दूनी 36 5 दूनी 10, ये 10 मीटर पर सेकंड होगी मेरे भाई, 18 चोटो 72 5 चोटो 20, अरे यही लॉजिक होता है ना। अब आप जल्दी से बता दो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़के 20 मीटर पर सेकेंड हो रही। अच्छा एक बात बताओ, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। चलिए द्रव्यमान बताइए कितना है, द्रव्यमान है 1500 और वेलोसिटी में चेंज 10 से 20 10, तो आंसर हमारा 15000 आएगा। अब आपके मन में आएगा 15000 तो भैया दो आंसर है, है मेरे भाई दो आंसर है तो कोई बात नहीं, 15000 के आगे बताइए कौन सा वर्ड लगेगा, तो कहना जब 15000 आपने बोला तो एक तो किलोग्राम और चूंकि मीटर पर सेकेंड बना लिया है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को लाइक भी कर देना, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर कर दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़िए, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 9, अब बच्चा ध्यान से सुनना, 9 वाला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, लॉजिक नहीं क्लियर है तो मैं आपको पहले बता दूं, है सुनिए, जैसे कि मैं आपके सामने कह दूं मेरे पास एक क्वाइल है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है ये क्वाइल है बच्चों, हर एक क्वाइल के लिए एन फाई बराबर एल इंटू आई होता है, हमेशा याद रखना हर एक क्वाइल के लिए फेरों की संख्या एन फाई बराबर एल इंटू आई होता है, बोलो ये बात सबको क्लियर है नहीं क्लियर है, मतलब क्या है कि जो L है स्वपेरकत्व है L मेरे भाई, वो बताइए फाई के समानुपाती होता है या L हमारा फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, ये देखिए L का मान फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। अब सुनो 600 फेरे थे तो स्वपेरकत्व 108 मिली हेनरी है, तो मेरे भाई पहले स्वपेरकत्व था 108, फेरों की संख्या 600, देख लो। इसी प्रकार दूसरी कुंडली, सर दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 500 और आपको दूसरी कुंडली का स्वपेरकत्व तो पूछा जा रहा है, ऐसे ही तो कहोगे, देखो आंसर आ गया, मतलब सीट रहा है, वेरी गुड है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, नए नए कॉन्सेप्ट में लाता रहूंगा। चलिए बच्चों इसका डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे ये दोनों कैंसिल, तो ये बताओ ये 6 से कैंसिल हो जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, 6 टन 6 4 48 और 48 8 6 48, तो मेरे भाई L बराबर आ जाएगा जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा 90 मिली हेनरी, 90 मिली हेनरी हरा, तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे ये लो क्वेश्चन नंबर 10वां, क्या बात है बड़ा प्यारा सवाल है, और बताइए क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर किसके साथ जाएगा, फटाफट पढ़िए बताइए, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा 90 मिली हेनरी निकालना सब लोग सीट है नहीं सीट है, और 40 नंबर की क्लास है आज मेरा, एपिसोड नंबर 01 है, ऐसे मैं आप लोगों को उतने एपिसोड दूंगा जिससे कि आप 35 क्वेश्चन 35 नंबर कम से कम लेके आओ 40 में से। सवाल देखिए क्या है, क्षेत्रफल ए वाली एक कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में रखिए जो समय अंतराल टी में बी नॉट से 4B नॉट हो जाती है, तो बताइए कुंडली में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, विद्युत वाहक बल पूछ रहा है,
तो फैराडे चाचा हमारे बता रहे थे कि विद्युत वाहक बल E बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बोलो होता है ना? अच्छा, तो फाई क्या है? सर मेरे भाई फाई का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया। अच्छा सर, सर चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया ये फाई है। ध्यान सुना, आप सवाल को जरा गौर से देखिए, कायदे में गौर फरमाइए। सर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट से कितना हो गया? 4B0। बी नॉट से कितना हो गया? 4B0। एरिया कितना है? ए। तो यहां परिवर्तन कितने का हुआ? तो कहना यहां परिवर्तन हुआ है 3B0 का हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3B0 का परिवर्तन इंटू एरिया ये डेल्टा फाई हो जाएगा। और समय की वैल्यू कितनी है? सर समय की वैल्यू इन्होंने टी दी है, तो समय के स्थान पे आपने टी लग देना है। सॉल्व हो गया? बोलो सॉल्व हो गया ना? हरा, ये हमारा क्या सब तो ए नॉट है, यहां ए नॉट है, वहां बी है, यहां बी है। हरा, तो बताइए इसका आंसर किसके साथ जाएगा? तो कह रहा इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर। चेक कर लो जल्दी से आंसर नंबर ए। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? तो यहां पर फाइ बराबर बी इंटू ए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तक वही जाके हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये वाला सवाल बताइए। बताइए क्लिनिकल डेथ किसे बोलते हैं? बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड सूरज, हरा उमंग, क्या बात है। अरे कॉस भी होता है, लेकिन कॉस का कोई मतलब थोड़ी ना है वहां पर, कॉस का कोई यूज ही नहीं था वहां पर। हरा बी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा का कोई यूज ही नहीं है। ये लीजिए बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग मेडिकल लाइन में जाते हैं तो एक हमारे पास टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। हरा याद रखना, क्लिनिकल डेथ का पर्टिकुलर एक मतलब है। सर क्लिनिकल डेथ का मतलब होता है जब हमारा दिल काम करना बंद कर दे। जब भी बच्चों दिल काम करना बंद कर देता है, ऐसी कंडीशन क्लिनिकल डेथ कहलाती है। अब दिल ने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब पूरे नाड़ी में, नाड़ी का मतलब हो गया हमारी वेन्स और धमनियां, उसमें ब्लड बहना बंद हो जाएगा। अरे हमारे पुतली में ब्लड नहीं जाता, इसीलिए इसका सही आंसर कोई नाड़ी में कोई नाड़ी नहीं है। हरा देयर इज नो पल्स, नो पल्स का मतलब रेट नहीं है, प्रेशर नहीं है, दिल की धड़कन नहीं होती, ये भी सही है। और ब्लड आना बंद हो जाएगा मेरे भाई, तो ये वाला उत्तर भी सही हो जाएगा कि पीपल आर फिक्स्ड। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन कहलाती है हमारी क्या सर? इसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए अगला। ये लीजिए क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? वेरी गुड हरा, क्या बात है, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? बहुत प्यारा सवाल है और ध्यान से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या। बताइए मनुष्य किस संघ में आता है? अरे एनिमल किंगडम पढ़ते हो तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे संघ है ना, और उसी एनिमल किंगडम में ध्यान रखना हमारे पास एक संघ आता है जिसको बोलते हैं कॉर डेटा संघ। बच्चा कॉर डेटा संघ उस संघ को बोलते हैं जिसमें ध्यान रखिएगा वर्टिबल कॉलम होती है, जिसमें मेरुरज्जु होती है। सर वही हमारा कॉर डेटा संघ है। इसमें क्या क्या आता है? तो कहना इसमें एक तो भैया मत्स्य आता है, 5 वर्णों में डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद इसमें स्तनधारी भी आते हैं सर, इसमें जो है पक्षी भी आते हैं सर, इसमें जो है सरीसृप भी आते हैं। 5 संघों में, 5 उपसंघों में डिवाइड किया गया है कॉर डेटा को। और इसके बाद रखना एक और चीज भी आती है जिसको आप बोलते हैं उभयचर, उभयचर। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना? तो स्तनधारी, हम लोग मनुष्य क्या है? स्तनधारी तो है, तो स्तनधारी बताइए किस संघ में आते हैं? सर कॉल डेटा संघ में आते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई, फटाफट जल्दी बताइए। चलो अब आप बताइए जल्दी से, ये स्तनधारी आगे चलते कितने तरह के डिवाइड किए जाए? हरा बताइए ये स्तनधारी कितने तरह से डिवाइड किए जाए? तो रखना स्तनधारी 3 तरह से डिवाइड किए जाए। हरा पहला नंबर होता है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया। फिर अगला नंबर होता है मेटाथीरिया, मैं वर्ल्ड का मतलब बताऊंगा। और इसके बाद बताइए अगला नंबर क्या होता है? सर अगला नंबर होता है यूथीरिया। क्लियर? ठीक है, अब आप बताओ प्रोटोथीरिया क्या होता है? प्रोटोथीरिया क्या होता है? सर प्रोटोथीरिया वो होते हैं, वो स्तनधारी होते हैं जो अंडे देते हैं। अरे जो अंडे देते मतलब वो स्तनधारी जो अंडे देते प्रोटोथीरिया है। यूथीरिया वो होते हैं जो स्तनधारी बच्चे देते हैं, बच्चे का जन्म करते हैं। और मेटाथीरिया वो होते हैं
जो स्तनधारी अविकसित बच्चों का जन्म देते, जैसे कि कंगारू। कंगारू धारक ना वो मेटाथीरिया में आता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारा कॉर्डेटा सन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, चलो सब कुछ नोट डाउन करके रखिए। ये लीजिए आडिया, ये वो जानवर है जो आपके घर में हो ना तो बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि ये जानवर से बीबी लोग डरती है, जितनी भी लड़कियां सभी इस जानवर से डरती है। इसका नाम है कॉकरोच। बताइए कॉकरोच के पास क्या होता है? बड़ा प्यारा सवाल है हरा। और पहले आप मुझे ये बताओ कमेंट करके, सर स्तनधारी अंडे थोड़ी ना देते हैं? अरे मेरे भाई बहुत सारे स्तनधारी अंडे देते हैं, आपको यही तो नहीं पता? अरे क्लियर है। चलो अब बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर कॉकरोच बताइए इनमें से क्या आंसर होना चाहिए। बच्चों सारे लोग आंसर 13वें का A 13वें का B इसी तरह से दीजिए हरा। चलो पहले आप ये बताओ कॉकरोच के बारे में कितने तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो कहना कॉकरोच के बारे में एक तो सबसे पहले इसका संघ पूछा जाता है, तो आर्थ्रोपोडा हरा। दूसरा पूछा जाता है कि इसके कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं, तो तीन पेयर धारकना तीन जोड़ी पैर होते हैं। अरे पूछा जाता है सर कॉकरोच का ब्लड पूछा जाता है कि बताइए ब्लड किस कलर का होता है? तो कॉकरोच का ब्लड मेरे भाई सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। एक क्वेश्चन और आता है, सर कॉकरोच के ब्लड में सॉरी कॉकरोच के दिल में कितने चैंबर होते हैं? थोड़ा कमेंट करके बताइए कॉकरोच के दिल में कितने चैंबर होते हैं? अरा तो मेरे भाई कॉकरोच के दिल में ध्यान रखना हार्ट में 13 चैंबर होते हैं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चार तरह के सवाल हमारे कॉकरोच से पूछे जाते हैं। आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, तीन जोड़े होते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्लियर है? चलो आ जाइए नेक्स्ट आइए। ये लो बताइए क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, आंसर दीजिए। बेहतरीन सवाल लेके आओ, ध्यान रखिएगा देखो थोड़ा बड़े जरूर लगेंगे लेकिन यही एक्चुअली में आपके एग्जाम का लेवल है, मैं पहले बता दूं। क्लियर है? चलो बताओ जल्दी से बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट और टेंडन के बारे में दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक लिगामेंट और दूसरा मेरे भाई टेंडन। ठीक है? आप सुनो ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं। ये लिगामेंट क्या होता है? सर लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। सर लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू हड्डी को हड्डी से बोन टू बोन जोड़े वो हमारा लिगामेंट हरा। और टेंडन वो होता है जो हड्डी को मसल से जोड़ता है, हड्डी को मसल से जोड़ता है तो वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू टेंडन होता है। अच्छा इनमें से एक येलो फाइबर होता है और दूसरा जो है व्हाइट फाइब्रस होता है। कोई कमेंट करके मुझे बताइए लिगामेंट और टेंडन में से कौन हमारा येलो फाइब्रस होता है, कौन हमारा जो है सर कौन हमारा व्हाइट फाइब्रस होता है हरा। तो लिगामेंट जो होता है मेरे भाई दरकना लिगामेंट ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, पूरा नाम ये होता है। और टेंडन टेंडन ध्यान रखिएगा ये हमारा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। किसको कौन जोड़ता है? लिगामेंट हड्डी टू हड्डी से। आंसर दीजिए। सर लिगामेंट है ना तो सर ये फाइब्रस टिश्यू है डेट जॉइंट मसल टू बोन, गलत हरा। एमोर्फस गलत, ए टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट जॉइंट टू बोन, ये एकदम सही है जो हड्डी टू हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट आइए। ये लो अरे संतोष साहू ग्रेड वन की क्लास आज से नहीं स्टार्ट है मेरे भाई, ग्रेड वन की क्लास 15 मार्च से स्टार्ट होनी है लाइव हरा। तो आज तो अभी 12 है, 2-3 दिन रुक जाइए, ग्रेड वन का सिलेबस उतना आसान नहीं जितना आप आसान समझ रहे हो। तो 2-3 दिन रुक जाइए, 15 मार्च से लाइव स्टार्ट होगा उसका बैच। चलो देखिए द ऑड वन ऑफ एमन फॉलोइंग, आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा हमारा ऑड है? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भैया है बताइए। सर मोनोसाइट लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स और एरिथ्रोसाइट क्या ऑड है? तो कहना मोनोसाइट लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स, अरे सर ये तो WBC है। अरे बोलो एरिथ्रोसाइट क्या होता है? तो कहना एरिथ्रोसाइट एक तरह का आरबीसी होता है, आरबीसी तो ही तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बाकी सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए ये आया थोड़ा बढ़िया सवाल
बोलो आंसर जल्दी दीजिए, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। हरा क्या बात है, वेरी गुड बच्चों। अगला सवाल लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, बताइए एक प्रोसेस होता है, आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस इनमें से क्या आंसर सही होना चाहिए। अच्छा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो कहना प्रकाश संश्लेषण का मतलब यह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा है तो बताइए क्या बनाएगा, तो कह देना यह बनाता है अपने लिए ग्लूकोज C6H12O6। इसके अलावा जो है सर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ हरा, और बताइए साथ में क्या बनाता है, सर साथ में बनाता है ऑक्सीजन। अब आप बताओ जल्दी से ये कौन सी रिएक्शन है, इनमें से क्या हमारा आंसर होना चाहिए। हरा अब सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से बच्चों, सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए ये ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, सर ऑक्सीजन का बाहर निकलना कौन सी रिएक्शन होती है, अपचयन। हरा कौन सी होती है, अपचयन, अपचयन को ही तो रिडक्शन कहते हैं, तो आंसर एक तो रिडक्टिव या रिडक्शन वाले के साथ जाना चाहिए, ये लीजिए सम में है। दूसरा सर ये जो हमारी रिएक्शन है ना सर प्रकाश संश्लेषण, इसमें हीट देते हैं, और जब हीट देते हैं तो बताइए ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये एंडोथर्मिक हो रही है, एंडोथर्मिक हो रही, तो एंडोथर्मिक हो रही तो ये एक्सोथर्मिक गलत हो गया, एक्सोथर्मिक गलत हो गया, एंडो इसमें भी है, एंडो इसमें भी है। अब देखो दो चीजें बची, एक कैटाबोलिक और एक एनाबोलिक, बताइए एक क्या बता सर, एक बचा हमारा कैटाबोलिक और एक बचा हमारा क्या एनाबोलिक, अब क्या उत्तर सही होगा, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान रखना जवाब कहते हैं मेटाबोलिज्म है ना बच्चों, मेटाबोलिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं, इनमें से एक कैटाबोलिक एनाबोलिक एक कैटाबोलिक। अब एनाबोलिक क्या होता है सर, एनाबोलिक में दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर सर, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं सर, दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा बनाते हैं, यानी इसका काम होता है सर बिल्ड अप, बिल्ड अप का मतलब होता है बड़ा बनाना, सुनना है ना सब लोग, और सुनिए सर कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है सर, कैटाबोलिक का मतलब ये होता है कि जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाए, अरे तो दो जब दो छोटे छोटे बनाते हैं उस रिएक्शन को कैटाबोलिक कहते हैं, कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ध्यान रखना इन दोनों को मिलाकर हम जो नाम देते हैं वो होता है मेटाबोलिज्म। अब आप बताओ जरा इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखना ये जो रिएक्शन होती है सर, ये रिएक्शन जो है एनाबोलिक में जाती है, किसमें मेरे भाई जाती है, तो कहना इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एनाबोलिक। तो आप बताओ इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा है ना। पीडीएफ 90 क्वेश्चन की मिलेगी, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस, इन सभी क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके 90 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और 90 क्वेश्चन की डबल कॉलम की पीडीएफ मिलेगी जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर होगा, आगे बढ़िए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल, क्या बात है, आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है, हरा बताइए क्या बात है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने काफी बेहतरीन सवाल, देखते कितने लोग आंसर देते हैं। ग्लूकोज इज मेनली एब्जॉर्ब, आप बताओ ग्लूकोज जो है इनमें से किसमें एब्जॉर्ब होता है। हरा देखो आपको पता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है तो कह देना किडनी की सूक्ष्मतम इकाई है नेफ्रॉन, इसीलिए तो नेफ्रोलॉजी है। अच्छा आपको यह बात पता है कि एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन होती है, हरा एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन होती है, तो कह देना एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती है, और बच्चों 10 लाख को ही हम 1 मिलियन भी कहते हैं। आपकी पूरी बॉडी में 2 किडनी होती है, इसका मतलब 2 मिलियन नेफ्रॉन, क्लियर आ रही है बच्चों। आप लोग जोतरा भी जो कुछ खाते हो वो यूरिन बनकर, मतलब जो पीते हो वो मेनली यूरिन बनकर बाहर निकलता है, लेकिन उससे अवशोषक तत्वों को रीअब्जॉर्ब करने का काम सर, रीअब्जॉर्ब करने का काम सर, रीअब्जॉर्ब को क्या बोलते हैं सर, रीअब्जॉर्ब को बोलते हैं पुनः अवशोषित। अरा हम चाहते हैं ना कि जितने भी पोषक तत्व है वो यूरिन की सहायता से बाहर ना निकल जाए, समझ रहे ना, तो हम ये चाहते हैं कि पोषक तत्व हमारे बॉडी में बने रहे, तो रीअब्जॉर्ब का काम करता है हेनले लूप। सर हेनले लूप में दो चीजें आती है, एक पीसीटी और एक डीसीटी। पहली जो ट्यूब रहती है उसे बोलते हैं पीसीटी, और बाद वाली जो ट्यूब रहती है सर उसको बोलते हैं डीसीटी। तो ध्यान रखना
पहली वाली जो ट्यूब है मेरे भाई इसका नाम है पीसीटी, और बाद वाली ट्यूब का नाम बताइए क्या है, डीसीटी। क्वेश्चन ये था कि बताइए ग्लूकोज मुख्य रूप से कहां अवशोषित होता है, तो कहना ग्लूकोज मुख्य रूप से पीसीटी यानी जो पहली वाली ट्यूब होती है सर वही अवशोषित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर जाएगा। क्लियर है ना? ओके, तो आप हेनलेन रूप में बताइए, यहां रीअब्जॉर्प्शन होता है लेकिन ग्लूकोज जो है वो मेनली धारकना कहां पर एब्जॉर्ब होता है, पीसीटी पर। अब आप जल्दी से पीसीटी और डीसीटी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पीसीटी और डीसीटी का पूरा नाम क्या है। अरा चलो आ जाइए, ये लो 18वां नंबर, क्या बात है बच्चा। जितने भी बच्चे एप्लीकेशन से बैंक ज्वाइन करने के लिए बोलना है तो वो सारे के सारे लोग माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, और या फिर ये जो आपके सामने नंबर दिया हुआ है आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, है ना। चलो ये वाला सवाल बताइए, बोला जा रहा है बताइए आम में विटामिन कौन सा होता है। अरे आम विटामिन होगा ना, तो याद रखना जब आम की बात करते हैं तो आम में वैसे एक एसिड पाया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है आम में, है ना। साथ साथ आम में दो तरह के विटामिन बहुत पाए जाते हैं, एक तो विटामिन ए और दूसरा विटामिन सी। ए और सी, सर ए और सी ध्यान रखना ये मेनली आम में पाए जाते हैं, बी मत बताना, बी विटामिन आम में नहीं होता, ए और सी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर होगा, क्या बात है। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए, अरे वाह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको मैं बता दूं पहले जो लाइफ साइंस बायोलॉजी का चैप्टर लिखा है ना उसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो प्रकाश संश्लेषण आएगा। पहले मैं बता दूं पूरे बायोलॉजी में एनवायरमेंट ये भी बहुत पूछा जाता है, पिछली बार उठा के देखिए बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आए प्रकाश संश्लेषण से। अब ये वाला सवाल का आंसर मैं देखूं, सौ मेरे नाम में बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। शीत ऋतु पारे में पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि, खरा। अब सुनो मेरे भाई, जैसे भी मान लीजिए ये तुम्हारी मिट्टी है, ये क्या है सर, ये मिट्टी है, खरा। और मिट्टी में ये रहे प्लांट, अब प्लांट की ये रही जड़ें। देखो होता क्या है कि जैसे ही किसी भी प्लांट को, सर किसी भी प्लांट को ठंडी की बात करते हैं हम लोग यहां शीत ऋतु, तो ठंडी में क्या होता है सर, ठंडी में यहां का जो पानी है जमीन के अंदर का जो पानी है सर वो इस तरीके से ड्रॉपलेट फॉर्म में जम जाता है, हरा आइस क्यूब बना लेता है। आप मेरी बात समझो, ये पानी आइस क्यूब बना लेता है, तो पानी आइस क्यूब बना लेता है और ठंडी में तो बारिश भी नहीं होती तो ऊपर पानी चढ़ ही नहीं पाता, और जब पानी ऊपर नहीं चढ़ पाए रहा तो मेरे भाई यहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, और जब मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो ठंडियों में ज्यादातर कह सकते हो पौधे हमारे नष्ट भी हो जाते, पौधे नष्ट हो जाते। इसीलिए ठंडी में पता एक काम करते, ठंडी में जब भी कभी हमें पानी देना होता है ना, पानी चाहे जितना दे दो लेकिन अगर वो आइस क्यूब बन गया तो पानी ऊपर कैसे जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ठंडी में जब भी कभी आपको पौधों को पानी देना हो तो एक तरीका अपनाना, मिट्टी को खोद खोद के पानी देना। मिट्टी को खोदने से क्या होता है कि पानी जो है जो बर्फ बन चुका वो वापस से पानी बन जाता है। इसीलिए सवाल का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल की कमी, सर निर्जलीकरण का मतलब होता है जल की कमी, है ना। नहीं ये वाला उत्तर सही नहीं दिया एनसीईआरटी ने कि वाटर इन प्लांट पौधे में जल जम जाता है, गलत है। आप बात की गहराई समझो, ये जो जल जम रहा है ये पौधे में नहीं जम रहा है, ये जल जमता है मिट्टी में, मिट्टी में। तो तुम जो ये समझ रहे हो पौधे में जल जमता है, नहीं मिट्टी में। इसका सही आंसर जाएगा निर्जलीकरण के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर। नेक्स्ट, क्लियर है क्या बात है, वेरी गुड, अरा क्या बात है, समझ में आ रही है ना। मैं आपको एकदम लॉजिक के साथ हर एक चीज बताऊंगा ताकि जीवन भर आपको हमेशा याद हो जाए। बताइए सवाल बोला जा रहा है कि प्लांट है खाली जगह, वेल एनिमल लैक, मतलब पौधे में तो पाया जाता है ले जानवरों में इसकी कमी होती है। आंसर बता दीजिए इनमें से क्या है, सर इनमें से क्या है जो पौधे में पाया जाता है लेकिन जानवरों में कमी होती है, बोलो। तो कहना इनमें से देखो सेलुलोज स्टार्च प्रोटीन वसा, क्या है ऐसा जो पौधे में पाया जाता है लेकिन जानवरों में एनिमल में इसकी कमी होती है, हरा। तो मेरे भाई सवाल का सही आंसर जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज याद रखिएगा, सेलुलोज ये वो टर्म है, अरे आपने सुना है प्लांट की सेल वॉल, सर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है प्लांट की,
ये प्लांट में है, एनिमल में नहीं। आंसर अपर भी सबका सही है। नहीं, दीपक ने आंसर ए दिया, स्टार्च डला थे भैया, एनिमल में स्टार्च पाया जाता। आलू खाते हो, आलू, आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। चावल खाते हो, चावल, चावल में स्टार्च होता है। बच्चा स्टार्च से एक क्वेश्चन आता है, स्टार्च किन किन चीजों में पाया जाता है, जैसे कि चावल, जैसे कि आलू। बच्चों स्टार्च का परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टार्च में आयोडीन की कुछ बूंदे मिला देते हैं तो याद रखना गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। अरे वाह, ये वाला सवाल देखिए, आंसर बताइए, फेपिकोल। अच्छा ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड लक्ष्मी प्रसाद, हरा सत्यम, अनिल, प्रीति, सूरज, नेहा गुप्ता, क्या बात है। 96 किलो वजन के एक आदमी में बताइए पानी कितना होगा। अब कितना बेहतरीन सवाल है, मतलब एक लॉजिक है कि तुमने रटा है कि समझा है। हरा, पहले आप मुझे यह बता दो, अगर कोई आदमी है मनुष्य है तो उसके शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है। मान लीजिए मैं हूं या आप है, आपके शरीर में कितना प्रतिशत पानी है? तो कहना हमारे शरीर में सर 70% पानी होता है मेरे भाई। अरे होता है, नहीं होता तो 96 का 70% निकाल लो लगभग। तो सर 96 का 70% 82 तो नहीं आने वाला, 42 नहीं आने वाला, 50 नहीं आने वाला, लेकिन 66.56 इसके आसपास जरूर आएगा, ठीक है। चलो ना, एक बच्चा कह रहा है कि एनसीईआरटी की 9वीं 10वीं पढ़ाते तो अच्छा होता। अरे देवी जी प्रभु, ये वही है, अब आपको बताइए तो साइड में लिख के लिया हूं प्रूफ के तौर पे, ये एनसीईआरटी है। ये जो उल्टे सीधे सवाल आते थे सब एनसीईआरटी में रहते हैं, यूपी बोर्ड में नहीं है, समझे ना। ये क्या आप लूसेंट के सवाल लग रहे हैं, बताइए लूसेंट में कहां है। सवाल देखिए क्या है, दिन के समय क्या होता है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं, हरा, ठीक है। तो बताइए बच्चों, जब भी कभी दिन की बात हो रही तो कहना दिन में देखो प्रकाश होता है, और आपका प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो कहना CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर इन्होंने दिन के समय की बात की है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन लेते हैं, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड लेते गलत, ऑक्सीजन ग्रहण करते गलत, हरा। तो मेरे भाई यहां पर आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण निकालते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर। चलो हाँ, ये लीजिए, ये एक डेटा पर बेस्ड सवाल है, आंसर जल्दी से दीजिए। और बताइए पूरे 40 क्वेश्चन भी मेरे भाई तैयारी है, मैं धुआं जोड़ा दूंगा पूरे 40 क्वेश्चन का, मैं आपको फिर से बता दूं, आप बस मुझ पे विश्वास रखिए, 40 में से कम आपके 35 सही होंगे। बस डेली जो है प्रैक्टिस करते रहिए जो मैं क्लास दे रहा हूं, और इसकी 90 क्वेश्चन वाली जो PDF है वो माई पाठशाला PDF पे मिलेगी आपको। तो माई पाठशाला PDF टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, है ना। और PDF का पढ़ने का टाइमिंग भी सुन लो, PDF जो है हर रोज 3 बजे पढ़ेगी, मतलब आज वाली जो क्लास है सर, आज वाली क्लास की PDF कल दोपहर 3 बजे आपको मिलेगी। चलो नेक्स्ट आइए, बताइए हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं की लंबाई कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और डायरेक्ट डेटा बेस क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं, पहले आप इस बात को समझो कि यह है क्या। सर क्वेश्चन का मतलब यह है कि जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, अब ब्लड वेसल्स है तो मुझे बताइए सर ब्लड वेसल्स की टोटल लंबाई कितनी होती है, ना धमनियां हैं, सिराएं हैं, तो अगर इन सबको जोड़ा जाता है तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, दरअसल आंसर जाएगा 10,000 किलोमीटर के साथ। सर 10,000 किलोमीटर लगभग हमारे कह सकते हो इसकी लंबाई होती है, दिखती नहीं है लेकिन होती है, पूरे शरीर में फैली है। आंसर अब डी वाला सही आंसर है, ये याद कर लेना, धमनियां और सिराओं इनकी लंबाई मिलाकर टोटल 10,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। बताइए क्या बात है बच्चों, अगला सवाल बताइए, फेफड़े, बताइए जल्दी से फेफड़े किससे क्लोज होते हैं, है ना, पेरिटोनियम, पेरिटार्डियम, प्लूलर मेम्ब्रेन, आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा आंसर है। अच्छा फेफड़ों के बारे में पता है आपको, है दो तरह के फेफड़े होते हैं, एक आपका राइट वाला फेफड़ा होता है और मेरे भाई दूसरा फेफड़ा होता है आपका लेफ्ट वाला, ऐसे लेफ्ट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, राइट फेफड़ा लेफ्ट फेफड़ा दोनों साइज में बराबर होते हैं कि अलग अलग होते हैं, कोई भी बच्चा कमेंट करके बताए राइट फेफड़ा और लेफ्ट फेफड़ा दोनों साइज में बराबर होते हैं कि अलग अलग। बराबर होते तो भैया मैं आज सवाल नहीं पूछूंगा, अलग अलग होते तो बताइए कौन ज्यादा कौन कम है।
बच्चा पेरिकार्डियम, ये झिल्ली पाई जाती है आपके दिल में। हरा पेरिटोनियम, सर पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है आपके पेट में। और प्लूलर मेम्ब्रेन, ध्यान रखना इसकी झिल्ली पाई जाती है आपके फेफड़ों में, जिसको आप बोलते हैं लंग्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा, सी वाला उत्तर है ना। अलग अलग, अच्छा बिल्कुल अलग अलग होता है, तो बताइए बड़ा कौन? तो कहना लेफ्ट वाले हिस्से में मुट्ठी टैटार का, सर मुट्ठी टैटार का दिल होता है वो लेफ्ट वाले हिस्से में होता है। लेफ्ट वाले हिस्से में एक नॉच होती है, देखो लेफ्ट वाले हिस्से में ये जो जगह बनती है ना, ये जगह, सर इस जगह को भी एक नाम देते हैं, सर इस जगह को बोलते हैं कार्डियक नॉच। और कार्डियक नॉच में ही दिल पाया जाता है, दिल। और दिल का आकार ऐसे बंद मुट्ठी जैसा होता है, इसी वजह से ये लेफ्ट वाला छोटा हो जाता है, लेफ्ट वाला छोटा हो जाता है मेरे भाई, राइट वाला फेफड़ा बड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखना राइट वाला बड़ा होता है। नेक्स्ट आइए, ये लो 25 नंबर, 25 नंबर सवाल को फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। हरा सुनो, ये क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट कर देना। हाँ भाई, आज की क्लास खत्म हो जाने के बाद मुझे सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बता रहा क्लास कैसी लगी और कितने दिनों तक आप ये क्लास चाहते हो। भाई देखो 40 नंबर की तैयारी मेरे साथ कर लीजिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप ये मान के चलिए कि लगभग आपके पूरे नंबर सही होंगे, क्योंकि अब जो पैटर्न चलेगा वो एकदम नया और एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है। सवाल देखिए क्या है, डटलेस ग्लैंड क्या होती है? सर डटलेस का मतलब समझते हैं, कह देगा डटलेस का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जिसमें पाइप नहीं है, है ना। तो ऐसी ग्लैंड जिसमें पाइप नहीं होती सर, उसी को डटलेस ग्लैंड। और डटलेस ग्लैंड होती क्या है? एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है मेरे भाई, ये क्या करती है? तो कह देना ये हार्मोन निकालती है। तो जो हार्मोन निकालने वाली ग्रंथियां होती है सर, वो डटलेस है। जबकि एक्सोक्राइन ये क्या निकालती है? सर ये निकालती है मेरे दोस्त एंजाइम, एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, सर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी डक्टलेस होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़िए, अरे वाह 26 नंबर, बायोलॉजी की ब्रांचेस से सवाल है ना। ब्रांचेस याद है? नहीं याद है? अरे झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, हरा इसी तरह से हमारी स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होता है, इसी तरह से किडनी में आ जाइए तो नेफ्रोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी होता है, नाम सुने नहीं सुने, कार्डियोलॉजी होता है, डेंटोलॉजी होता है। तो ऐसे आप लोगों को सारे नाम याद होना चाहिए। सवाल देखिए क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही सो मिले थे आपको आंसर बताना है। सर इलेक्ट्रल डिप्लोमा, देखो मैं फिर से बता दूं, जितने भी बच्चों का कमेंट मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कमेंट थोड़ा फास्ट चल रहा है। ये रही वो नंबर जिस पर आप कॉल करके माई पाठशाला एप्लीकेशन पे कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो एएलपी का बैच हो या टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बैच हो या टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बैच हो, सारे बैच एप्लीकेशन में चल रहे हैं। ग्रेड 1 के लिए पूरा फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे बैच एप्लीकेशन पे चल रहा है, मैं पहले बता दूं। चलो एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन, ये सही। माइकोलॉजी सवाल गलत हो गया। पेडोलॉजी मिट्टी, सही। और फॉर्मेसोलॉजी सर स्टडी ऑफ मेडिसिन, ये सही है। हरा माइकोलॉजी गलत है, आप बात समझो ना। देखो जो सवाल होता है सर, सवालों का अध्ययन माइकोलॉजी नहीं कहा जाता, फाइकोलॉजी कहलाता है। हरा लेकिन ये माइकोलॉजी क्या होता है? तो कह देना माइकोलॉजी जो है वो कवक का अध्ययन होता है, फंगस का अध्ययन होता है। ये गलत है, माइकोलॉजी गलत है, 101% गलत है। तो इसका मतलब सर 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये लो 27 नंबर है, क्या बात है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। हाँ बिल्कुल फाइकोलॉजी, एकदम सही बता रहा है बच्चा। चलो अगला सवाल फटाफट बताइए, इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए, मार्क द करेक्ट आंसर। आपको सही उत्तर की चयन करना है कि बताइए इनमें से क्या है। ये देखो सवाल ना, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सवाल की खूबी देखिए कि चीजें इस तरह से लिखी है कि हो सकता है कि आपको आती हुई चीजें गलत हो जाए। ग्रहों की एक आभासी गति और टिमटिमाहट, ठीक है, ग्रहों की कोई स्पष्ट गति नहीं और लेकिन टिमटिमाती है। तो आपको बताना है कि जो भी हमारे ग्रह होते हैं इनमें से क्या आंसर होगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी ग्रह या कोई भी तारा, सर कोई भी तारा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, क्या वो एक्चुअल में चमकता है? नहीं सर,
बच्चों होता क्या है कि वायुमंडल के अपवर्तन के कारण वो हमें चमकते हुए नजर आते और उनमें कोई गति नहीं होती। तो इस सवाल का बताइए क्या होगा, प्लैनेट हैव अपेरेंट मोशन, बिल्कुल एक आभासी गति होती है लेकिन टिमटिमाते नहीं है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। ऑप्शन नंबर सी, एक आभासी गति है और यह आभासी गति भी अपवर्तन की वजह से आती है लेकिन टिमटिमाते नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चलो 28 नंबर, ठीक है बताओ क्या बात है। 28 नंबर को क्या कहेगी जनता, प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों होता है? आप मुझे बताइए प्रेशर कुकर में खाना बनाना क्यों आसान होता है? देखो होता क्या है कि जब आप कढ़ाई में सब्जी रखते हो, ध्यान सुनो, जब आप कढ़ाई में सब्जी बनाते हो यानी खुले में सब्जी बनाते हो तो खुले में सब्जी बनाते समय प्रेशर होता है 1.01 बार वायुमंडलीय दाब, और वायुमंडलीय दाब पे ध्यान रखना पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जब प्रेशर कुकर में सब्जी बनाते हो तो उसका प्रेशर सर उसका प्रेशर 1.01 बार से ज्यादा हो जाता है, और जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो मेरे भाई उबलने का जो टेम्परेचर होता है सर बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो भी 100 से ज्यादा हो जाता है। सुन रहे ना, तो अगर आप कढ़ाई में सब्जी बना रहे हो, कढ़ाई का मतलब हो गया खुले में, और अगर आप कुकर में सब्जी बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, तो दोनों की क्या कंडीशन देख लो, 100 से ज्यादा पर उबलता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, सी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल मैं पूछूं, आपने एक दिन कढ़ाई में आलू टमाटर की सब्जी बनाई और एक दिन आपने प्रेशर कुकर में आलू टमाटर की सब्जी बनाई, आप मुझे ये बता दो कि कौन सी सब्जी ज्यादा गर्म होगी। एक बार आपने कढ़ाई में प्रेशर कुकर में सब्जी बनाई, एक बार कढ़ाई में बनाई आलू टमाटर की, कौन सी सब्जी ज्यादा गर्म होगी? हरा चलो अगला सवाल बताइए, 29 नंबर, फटाफट जल्दी पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। सर टेक्नीशियन ग्रेड वन के लिए बैच है, मैंने बताया तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे टेक्नीशियन ग्रेड वन टेक्नीशियन ग्रेड थ्री दोनों के बैच चल रहे हैं और दोनों का सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है। ग्रेड वन में इंटर वाली मैथ फिजिक्स आनी है और जबकि टेक्नीशियन ग्रेड तीन उसमें SSC वाली मैथ फिजिक्स आनी है, मैथ साइंस आनी है। है चलो बताओ, एक बच्चा कह रहा है मेरी फेवरेट सब्जी आलू टमाटर की, मेरी भी फेवरेट है लेकिन मेरी बीबी को कभी आलू टमाटर पसंद नहीं, कभी नहीं बनाती, कभी कभी मैं जब अकेले होता हूं तो एक ही सब्जी बनाता हूं आलू टमाटर चावल के साथ। चलो सवाल देखिए यार, मनुष्य का वजन विश्वत की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? अच्छा आप ये बताओ, जो मानव है मानव शरीर का जो वजन है वो ध्रुवों पर क्यों अधिकतम होता है? हरा तो कह रहा मानव शरीर का जो वजन है बच्चों वो ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, पता है सर क्यों? सर ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर रेडियस मिनिमम, या फिर ऐसा बोलिए यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है वो ज्यादा होता है, हरा गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है तो क्योंकि ध्रुवों पर वातावरण नहीं है, गलत, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है यह सही है, आकर्षण बल कम है गलत है। मेरे भाई जितना ज्यादा जहां गुरुत्वाकर्षण बल होगा वहीं पर तो जी ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर है। क्या बात है, हम लोग देखो पढ़ते 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 30 क्वेश्चन तक पहुंच चुके और अभी एक घंटा हुआ है, तो मेरे भाई मैंने पहले ही बोला था कि लगभग 1.25 घंटा लगेंगे 40 क्वेश्चन सोल्व कराने में, सोच लो क्या आप लोग रेडी हो मेरे साथ। चलो बताइए बच्चों अगला सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप लोग को, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और विटामिन आप मुझे बताओ ये क्रमशः किसमें मिलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, मुझे ये जानना है कि आप लोग क्या आंसर देते हो, अनाज दूध और सब्जियां आपको क्रम से सजाना है ना। नए बच्चा इलेक्ट्रल से डिप्लोमा वैलिड नहीं है, ठीक है सर जी PDF कहां मिलेगा? हरा मैं बोल देता हूं, लिंक विंक शेयर करते रहेगा आपको बोल देता हूं, है ना। तो बच्चों ये वाला सवाल आप ध्यान से सुनो, PDF का लिंक एप्लीकेशन का लिंक भेजते रहो, वो चला लो भेजते भी रहो, ठीक है। चलो सवाल देखिए, पहले आप मुझे बताओ विटामिन कहां होता है, तो कहना विटामिन का मेन सोर्स होता है सब्जी, ध्यान रखना जितनी भी हमारी सब्जियां हैं वो ज्यादातर क्या पाई जाती है सर, उसमें ज्यादातर विटामिन ही होते, तो विटामिन सब्जियों में होते हैं। बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, अरा प्रोटीन सर प्रोटीन किसमें होते हैं, तो कहना प्रोटीन मेनली होता है तुम्हारे दूध में, इसलिए तो देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें डेवलप होने के लिए प्रोटीन जरूरी होती है, दूध जरूरी होता है,
और याद रखना जब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, सर कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, तो कह देना सर ये कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे अनाज में। क्लियर है? तो बताइए उत्तर किसके साथ जाएगा, पहले कार्बोहाइड्रेट है, फिर हमारा प्रोटीन है, फिर हमारा विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। ये जनरल है, इस बात को याद रखिएगा, ये एकदम जनरल है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट है ये लो, टेस्ट ट्यूब बेबी, नाम सुना है नहीं सुना टेस्ट ट्यूब बेबी का, पहले बताओ। हरा क्या बात है, सुना है नहीं सुना, नहीं सुना तो एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा भैया, और एकदम ओपन करके बताऊंगा जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल बड़ा कॉमन है। सर टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब यह होता है कि निषेचन जो होना चाहिए वो टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब समझते हो केमिस्ट्री में रहती है थोड़ी बड़ी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब निषेचन फर्टिलाइजेशन आप टेस्ट ट्यूब में डालो, स्पर्म और ओवम मिलाकर टेस्ट ट्यूब में रख लो और उसको ग्रोथ के लिए ओवरी में डाल दो, मतलब ओवरी सॉरी यूट्रस में डाल दो गर्भाशय में। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, पहला है अंडाणु का निषेचन परख नली में होता है परंतु यह गर्भाशय में विकसित होता है। अरे लो यही वाला सही हो गया यार, यही वाला सही हो गया है। डिम्बिडल निषेचन परख नली में होता है परख नली विकसित होता है, गलत। डिम्बिडल निषेचन गर्भाशय में होता है, गलत। गर्भाशय में निषेचन हुआ तो कैसा है, सर निषेचन गर्भाशय में होता है, नहीं 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 ये भी गलत है, आप मेरी बात समझ रहे ना। तो टेस्ट ट्यूब में हमें फर्टिलाइजेशन करना है लेकिन उसका डेवलपमेंट कहां करना है, यूट्रस में। अवसर बने यह टेस्ट ट्यूब हमारा कह सकते हो शब्द का अर्थ है। ले लीजिए 32 नंबर, यह केमिस्ट्री से, मैंने सोचा केमिस्ट्री का पता नहीं सवाल है कि नहीं है। अच्छा सारे बच्चे एक काम करेंगे, टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए, मेरी क्लास की टाइमिंग डेली शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे आइए और मेरे साथ 40 क्वेश्चन साइंस के लगा के देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अच्छा याले सवाल में मैं थोड़ा समय लूंगा, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है। अरे सुनो सुनो कुछ हमारे पास चीजें हैं, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लिटमस के बारे में सुनिए बच्चों, जब हम लोग लिटमस की बात करते हैं ना तो अम्ल क्या काम करता है, क्षार क्या काम करता है और मेरे भाई उदासीन क्या काम करता है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लिटमस के बाद जो है आप लोगों को फिनोफ्थलीन, सर फिनोफ्थलीन में आप मुझे बताइए, सर फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन में बताइए अम्ल क्या काम करता है, क्षार क्या काम करता है और उदासीन क्या काम करता है। अम्ल उदासीन एक जैसा व्यवहार दिखाते हैं और क्षार क्या काम करता है वो बताइए, अब मेरी बात समझे। इसी तरह से एक और आता है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, सर मिथाइल ऑरेंज जो है वो किस तरह से कलर चेंज करता है, अम्ल में कैसा कलर चेंज करता है, क्षार में कैसा कलर चेंज करता है और मेरे भाई आप मुझे बताइए उदासीन में कैसा कलर चेंज करता है। ये वो बात है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और फिर भी हम लोग डाउट में आकर इस सवाल को गलत कर देते हैं। चलो बताया, चलिए लिटमस, लिटमस क्या काम करता है, सर अम्लीय विलयन में, सर अम्लीय विलयन में लिटमस नीले को लाल करता है, नीले को क्या करता है लाल। क्षार, क्षार डार्कना लाल लिटमस पेपर को बताइए कैसा करता है नीला। उदासीन, उदासीन क्या करता है तो कह देना कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, नोट डाउन कर लो। चलिए फिनोफ्थलीन सुनिए, सर फिनोफ्थलीन अम्ल और उदासीन, सर अम्ल और उदासीन विलयन में नो इफेक्ट, अम्ल और उदासीन विलयन में नो इफेक्ट। कई बार आप इसको रंगहीन भी बोल सकते हैं, रंगहीन। लेकिन फिनोफ्थलीन धारकना क्षारी विलयन में क्या काम करता है, सर ये रंगहीन को गुलाबी कर देता है। सर ये रंगहीन को कैसा कर देता है, सर रंगहीन को कर देता है मेरे भाई गुलाबी। तो फिनोफ्थलीन विलयन रंगहीन को धारकना गुलाबी कर देता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। सर मिथाइल ऑरेंज क्या काम करता है तो याद रखना मिथाइल ऑरेंज जो है ये क्षारी और उदासीन में पीला रंग देता है। सर ये क्षारी और उदासीन विलयन में, मिथाइल ऑरेंज क्षारी और उदासीन विलयन में पीला रंग देता है और अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है, सर अम्लीय विलयन में देता है ये लाल। अच्छे से याद कर लेना, सवाल दे दीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का परीक्षण किया जाता है तो बताइए कौन सा परिवर्तन देखा जा सकता है। पहले आप मुझे बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है तो कहना MgOH का होल ट्वाइज, सर ये एक तरह का क्षार है, ये एक तरह का बताइए क्या है, क्षार है। क्लियर है ना सबको,
तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए सही। पहला आंसर है फिनोप्थलीन का रंग गुलाबी हो जाता है, ये एकदम सही है सर। मिथाइल ऑरेंज नारंगी, नारंगी वही लाल है, तो मिथाइल ऑरेंज नारंगी हो जाता है, गलत। हरा मिथाइल ऑरेंज मैंने बताया क्षार विलयन में पीला होता है, सुनना है ना। फिनोप्थलीन रंगहीन हो जाता है, गलत सर। फिनोप्थलीन गुलाबी होता है। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, गलत। हरा आप देखिए ना सर, क्षार में लाल नीला होता है, नीला लाल थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर। ये जो मैंने आपको समझाया इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर। सर जी टेक्नीशियन सिग्नल का फॉर्म केमिस्ट्री ऑनर से डाल सकते हैं, बच्चा ट्यूरी डाल सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, डाल सकते हो, डाल सकते हो। चलो 33 नंबर बताइए, क्लियर हो गया भाई पिछला वाला सवाल? अगर आपको क्लियर है ईमानदारी के साथ मुझे बताइए पिछले वाले सवाल का आंसर आपको क्लियर हो गया, कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक ठोक दो। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। अमोनिया अणु में नाइट्रोजन का अकेली जोड़ी, अकेली जोड़ी मतलब लोन पेयर, लोन पेयर बताना है। अमोनिया पूछा जा रहा, अमोनिया में लोन पेयर, हां सर। कैसे? देखो बच्चों अमोनिया की बात करते हैं ना, तो अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहना अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 2.5 में से 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बना दिए और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया। ये देखिए नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है सर? नाइट्रोजन का मतलब होता है परमाणु संख्या 7, 2.5। अब होना क्या बच्चों, इस 8-8 इलेक्ट्रॉन से सर 8-8 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा सर, 8-8 इलेक्ट्रॉन से 8-8 हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहा, ऐसे सिंगल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। अब आप बताओ जरा क्या बचा सर? अकेला दो पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन बचा। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, लेकिन पेयर में तो 1 कहोगे, तो ये जो बचा रहा ये क्या बचा? तो कहना ये 8 लोन पेयर बचा, इसको बोलते हैं लोन पेयर है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। चलो बताओ तो कितने लोन पेयर है? तो कह देना इसमें सर 8 लोन पेयर है सर, इसमें 8 लोन पेयर है, ये बात सबको क्लियर हो रही है ना? बहुत बढ़िया सवाल था। चलो नेक्स्ट आइए, ये लीजिए। उज्जवल से सर बीएससी पीसीएम वाले ग्रेड 1 भर सकते? अरे हाँ बिल्कुल भर सकते हो भाई, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, आप भर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 34 नंबर। आवर्त सारणी में समान संयोजकता विन्यास वाले तत्वों को कहां रखा गया? समान संयोजकता, देख लो टर्म बहुत बढ़िया यूज किया गया है, समान संयोजकता। सर आप याद करो, लिथियम को याद करो, सोडियम को याद करो, पोटेशियम को याद करो सर, इन सभी की संयोजकता, सर इन सभी की संयोजकता 1 है ना सर, इन सभी की वैलेंसी 1 ही तो है, आप बताओ इनको कहां रखा गया? तो समान संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन को हमने एक ही ग्रुप में रखा है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जा रहा? डी वाला आंसर जा रहा, एक ही समूह, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या बात है, नेक्स्ट आइए, ये लीजिए। अरे वाह 35 नंबर, पढ़िए भाई जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 35 पर उत्तर क्या होना चाहिए, पढ़िए। थोड़ा बस सेशन को और शेयर करो भाई फटाफट, जिन्होंने तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। सवाल बताइए क्या है? एक कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र क्या इतना है और इंपीरियल सूत्र इतना है। सुनिए ध्यान से मैं बताऊं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए। जैसे कि ये इंपीरियल सूत्र है CH2O, इसमें आगे एक संख्या n लगाई जाती है और ऐसा करने से उसका अणु सूत्र आ जाता है C6H12O6। दोनों के नाम ध्यान रखना है ना मेरे भाई, इनमें से इसका नाम है इंपीरियल फॉर्मूला और इसका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप बता दो n कितना है, ठीक है। अब तो आंसर समझ आए। तो बच्चों यहां पर जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए। जब आप n 6 रखोगे तभी तो ये 6 × 12 6 ऑक्सीजन हरा। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? 6 के। इंपीरियल फॉर्मूले में कितना गुना कर दे ताकि हमारा अणु सूत्र बन जाए? हाँ चलो नेक्स्ट आइए, ले लो 36 नंबर, पढ़िए बहुत प्यारा सवाल, आंसर दीजिए और बताइए जल्दी से 36 का आंसर किसके साथ जाने वाला है। अरा 40 क्वेश्चन मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको डेली 40 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको कहीं से साइंस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यही प्रैक्टिस कर लीजिए। एक सीधी रेखा में वस्तु का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है सर, एक सीधी रेखा में वस्तु का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है।
6 सेकेंड, बच्चों यहां बात 6 सेकेंड में हो रही है। सर 6 सेकेंड में बताइए दूरी और विस्थापन क्या होगा, खरा। अब आप देखो यहां पर एक छोटा सा लॉजिक आप लोग का क्लियर होना चाहिए। क्या सर? लॉजिक ये होता है कि जब भी कभी हम लोग वेलोसिटी और मेरे भाई टाइम ग्राफ बनाते हैं, जब भी कभी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाते हैं तो इसके नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है? सर इसके नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन भी देता है और दूरी भी देता है। लेकिन जो एरिया ऊपर है उसको पॉजिटिव ले लो और जो एरिया नीचे है उसको नेगेटिव ले लो। एरिया पहले निकाल लो। चलिए एरिया निकाले है ना, बताइए सर ये लाइन 2, ये लाइन 4, ये एरिया कितना? सर ये एरिया +8। चलो ये वाला एरिया सर, ये 2 के सामने ऐसे है ना, तो ये 4 से 2 से 4 यानी ये लाइन 2 और ये लाइन 2, तो 2 गुणनफल 4 लेकिन -4। एरिया निकाल रहा हूं मैं, इधर आइए सर, ये लाइन 2, ये लाइन 2, तो बताइए 2 गुणनफल 4 +4 है ना। हमने देखो विस्थापन मतलब वेलोसिटी और टाइम ड्राफ्ट के नीचे एरिया निकाल दिया सर, अब तो आंसर मिल जाएगा। अरे बिल्कुल, सुनो बच्चों, जो दूरी निगेटिव हो उसे भी पॉजिटिव मानकर दूरी बना लो। तो जब हम दूरी निकालते ना, दूरी तो सबको उठा के जोड़ देते हैं, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं है ना। तो दूरी बनाते समय 8, 4, 12, 4, 16। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डेट मींस विस्थापन निकालते हैं, तो हमें प्लस माइनस सहित जोड़ना होता है, 8 - 4 + 4। तो बताइए सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 8 मीटर। आंसर क्या जाएगा सर? आंसर इन्होंने पूछा था विस्थापन और दूरी, विस्थापन 8 दूरी 16, विस्थापन 8 दूरी 16। पहले विस्थापन पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अरे वाह, 37 नंबर सवाल, बताइए हरा ग्रेड 1 भरे ये दोनों? अरे दोनों भर सकते हो मेरे भाई, ग्रेड 1 भी भर सकते हो एक ही फॉर्म में, ग्रेड 3 भी। एक ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को फिल करके आप ऐसा कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आइए, बताइए इनमें से कौन तुम्हारा उच्चतम द्रव्यमान है? द्रव्यमान उच्चतम बोल रहा है हरा बच्चों, द्रव्यमान उच्चतम हमेशा ना ग्राम से होता है, ग्राम किलोग्राम। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे कि मैं आपके सामने मान लीजिए CO2 लेता हरा, तो आपको पता है CO2 का अणु भार कितना होता है? तो कह रहा CO2 का सर अणु भार होता है 44। ये बात सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1 मोल बराबर सर 1 मोल में 44 ग्राम CO2 होगा, ऐसे तो बोला जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर? इन सभी का मोल निकालने वाले हैं और इन सभी को मोल को ग्राम बनाने वाले हैं हरा। तो अणु भार अगर 44 है तो 1 मोल में 44 हरा। तो बच्चों ये वाला उत्तर तो एकदम समझ में आ रहा है, 64 ग्राम। क्लियर है? इधर देखिए O2, सर O2 का मतलब क्या? O2 32। तो इसमें 1 मोल O2 में 32 ग्राम होंगे। आप मेरी बात सुनते रहिएगा ध्यान से। H2SO4 का अणु भार कितना होता है? कुछ अणु भार तो एकदम रटे हुए होने चाहिए। H2SO4 का मेरे भाई अणु भार जब निकाल के देखोगे तो ये 98 होता है। कितना होता है? 98। तो H2SO4 के 1 मोल में 98 ग्राम। क्या बात है सर? 1 मोल Ag बचा, Ag। अच्छा अब आप बताओ सिल्वर का परमाणु भार क्या होता है? तो कहना सिल्वर की परमाणु संख्या 46 लेटेंट परमाणु भार 108 होता है। ये बात पता है? नहीं पता सबको? नहीं पता तो याद कर लो हरा। तो अगर परमाणु क्रमांक 47 और परमाणु भार 108, क्या बात है सर? तो इसका मतलब 1 मोल सिल्वर में सर 1 मोल सिल्वर में 108 ग्राम होगा। बिल्कुल होगा सर, हम लोग यहां परमाणु भार रखते हैं, अणु परमाणु क्रमांक थोड़ी ना रखते। तो आंसर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा सर, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर, 1 मोल Ag में 108 ग्राम है और यही सबसे भारी है। सीट डेट नहीं सीट है बता देना कमेंट करके। चलो 38 नंबर बताइए है ना, ज्यादातर लोगों का गलत था, ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर दिया था H2SO4 के साथ, लेकिन H2SO4 नहीं है, है ना। चलो अगला सवाल होती है, वह यूनिट जिसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड है, आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सा यूनिट है जिसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड है? तीन बॉन्ड्स होते हैं है ना। देखो NaCl में प्योर आयनिक बंध होता है Na+Cl-, अमोनिया सर अमोनिया में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है
CaCl2 बच्चों इसमें ना आयनिक बॉन्ड होता है ना, लेकिन अगर आप NH4Cl की बात करते हैं मेरे भाई, तो NH4Cl में तीनों बॉन्ड होते हैं। देखो सबसे पहले तो ये NH4+Cl-, अरे आयनिक हो गया, अरे हो गया ना, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ा हो रहा, चार हाइड्रोजन के साथ हरा कोवेलेंट भी हो गया, और उसी के साथ साथ रखना इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, डी वाला उत्तर इस सवाल का सही उत्तर होगा सर, तीनों बॉन्ड हमारे ऑप्शन नंबर डी में। ये लो 39 नंबर सवाल, ये लीजिए कितना प्यारा खूबसूरत सवाल है, इस तरह के आज मैं दो सवाल लेते आऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। हाँ क्या बात है राजा बाबू, वेरी गुड। देखो बहुत सारे बच्चे आज मुझसे जो इस बात की उम्मीद लगाए हैं कि सर आप मेरा साइंस बहुत अच्छा करेंगे, मैं अपने दिल की बात बताऊं और विश्वास मानिए मैं आपका ये उम्मीद तोड़ूंगा नहीं, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप शाम के 7 बजे ना डेली साइंस पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि साइंस 40 नंबर की आनी है और साइंस के दम पे ही आपका सिलेक्शन भी होगा, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिर हमारा बायोलॉजी हो, हर वो टॉपिक जो आपका कमजोर होगा वो मैं यहां लाकर आपका मजबूत करा दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए ना, हमें जो साइंस पढ़नी है ना वो उस लेवल की पढ़नी है जो साइंस पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम में काम आने वाली है, हमें वो साइंस नहीं पढ़नी जिस साइंस को पढ़ने के बाद हमें मजा तो आएगा लेकिन काम कुछ नहीं आएगा, है ना। तो अपने ज्ञान को हमें विस्तारित करना है, बढ़ाते रहना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। एक यूनिट टाड़ू सूत्र इतना है, इंपीरियल फॉर्मूला इतना, याद करो। ये देखिए पहले लिखते हैं हम लोग इंपीरियल फॉर्मूला, उसके आगे लिखते हैं एन और आगे लिखते हैं C4H8O2, बताइए एन का मान कितना, है ना। ठीक है तो मेरे भाई एन का मान यहां से साफ साफ पता चल रहा है 2 होगा। अब इतना वैसा सवाल भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना, ये लीजिए आज का भैया 40 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सवाल है, देखते भाई कितना लोग आंसर देते हैं। बच्चों 40 नंबर सवाल में बोला जा रहा है क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को सेल से हटा देते हैं, हटाना है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान ले हमारे पास सोडियम है सर, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2.8.1, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन बार फेंक दो, हटा दो, तो हटा दोगे तो सोडियम ना सोडियम का धनायन बन जाएगा, तो बताइए साइज क्या हो रहा, बढ़ेगा घटेगा क्या हो रहा, हरा बोलो पता नहीं पता, सुनो नहीं पता तो सुन लीजिए, जो साइज होता है ना वो धनायन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितने ज्यादा धनायन साइज उतना छोटा, और अगर साइज की बात करते हैं ना तो साइज ऋणायन के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा ऋणायन सर उतना ही साइज ज्यादा। हाँ, क्या बात है, बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया सर आपने, आए वेरी गुड। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका तो ये धनायन बन गया, सर धनायन बन गया ना तो बताइए साइज क्या हो जाएगा, सर साइज घट जाएगा, साइज घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा सही, सर साइज हमारा घट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन में लिखा होता कि हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे रहे हैं, जैसे कि आपने क्लोरीन का नाम सुना सर, क्लोरीन मतलब 17 और 2.8.7, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, अब आप बताओ अगर इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए हरा, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बताइए क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस। अच्छा सर क्लोरीन माइनस बन गया, क्या बात है, क्लोरीन माइनस बन गया तो बताइए क्या होगा, सर क्लोरीन माइनस बन गया तो मेरे भाई साइज हमारा क्या हो जाएगा, सर साइज हमारा बढ़ जाएगा हरा। तो बताइए आज फिलहाल तो सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, मैं जल्दी से पहले पीडीएफ के बारे में बता दूं। देखो सुनो बच्चों 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन है ना बच्चों, 40 क्वेश्चन हमारे कह सकते हो किसके, साइंस के। चलो मैं एक काम करता हूं कि 10 क्वेश्चन जीके की भी डाल देता हूं है ना, ये 100 क्वेश्चन जो आपके टेक्नीशियन में आने वाले हैं, ये 100 क्वेश्चन जो आपके टेक्नीशियन में आने वाले हैं सर, इस टेक्नीशियन में आने वाले इन 100 क्वेश्चन की डबल कॉलम की पीडीएफ जिसको आप प्रिंट आउट निकाल के रोज प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मैं देना शुरू कर देता हूं है ना। तो बच्चों ये पीडीएफ कल दोपहर 3 बजे आप लोगों को मिलेगी है ना, हमेशा रखना पीडीएफ आपको एक दिन बाद मिलेगी, और मिलेगी ये मेरा वादा है,
टेलीग्राम चैनल का नाम नोट डाउन करेंगे सब लोग, माई पाठशाला पीडीएफ। आप इसको प्रिंट करके डाउनलोड करके भी रख सकते हो। तो माई पाठशाला पीडीएफ पर, सर माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को कल 100 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा, और यही वो 100 क्वेश्चन होंगे जो हमारे 3 क्लासों में चलेंगे। मैथ वाली जो क्लास की टाइमिंग होगी वो ठीक 5 बजे होगी, उसके बाद रीजनिंग वाले क्लास की टाइमिंग रात के 8 बजे होगी, साइंस वाले क्लास की टाइमिंग शाम के 7 बजे होगी। क्लियर? जीटी की टाइमिंग कहा है मेरे भाई? जीटी की कोई क्लास नहीं होगी, बस ये क्वेश्चन मैं डाल दूंगा ताकि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओ तो आपको पता रहे कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आओ। ठीक है, चलो एक और आप लोगों की इंफॉर्मेशन है, फटाफट एक बार सुन लीजिए। हरा बच्चों, अगर हम लोग यहां बात करते हैं एप्लीकेशन पे, देखो एप्लीकेशन पे सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊं। देखो मेरे भाई, आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? इसके अलावा आप लोग तैयारी कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 में ध्यान रखना सिलेबस बहुत अच्छा है। तो इनके फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, यानी सारा सब्जेक्ट हरा। तो एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं तो इसका कंप्लीट फाउंडेशन बैच 600 रुपए में, मतलब इसमें फिर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 इसका फाउंडेशन बैच जो है वो 1999 रुपए में। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 में मैथ, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक साइंस में फिजिक्स है, ये सब कुछ मिलेगा बच्चों। ये दोनों के दोनों बैच आप माई पाठशाला एप्लीकेशन से डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाना पड़ेगा, YOGI10 कैपिटल में, है ना? और जब ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट के साथ ये बैच ज्वाइन हो जाएगा। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो मैं एक नंबर लिख देता हूं टीम का, 6393125760, आप इस नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हर वो चीज मिलेगी जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। अभी तो मैं आज क्लास थोड़ा लेट हो रही थी, नहीं तो मैं पीडीएफ दिखाता कि कैसी पीडीएफ मिलती है। इसमें डबल कॉलम की पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, बाइलैंगुअल कंटेंट होगा। और देखो बहुत सारे बच्चे ये बात बोल रहे हैं, मैं पहले उनका रिप्लाई कर दूं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का ही महंगा है। मेरे भाई ये महंगा नहीं है, सुन लीजिए पहले, ये इसलिए महंगा नहीं है क्योंकि इसमें 12वीं की पूरी मैथ आनी है। ये बात आपको पता है नहीं है तो सुन लीजिए, इसमें एसएससी वाली मैथ नहीं आनी, इंजीनियरिंग वाली मैथ आनी है। इसमें मेरे भाई 12वीं का पूरा फिजिक्स आना है, फिजिक्स के साथ साथ इसमें पूरा स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आना है, इसमें कंप्यूटर साइंस वाला कंप्यूटर आना है। इसमें एसएससी रेलवे वाला कंप्यूटर नहीं आना है, इसमें कंप्यूटर साइंस वाला कंप्यूटर आना है। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एसएससी रेलवे के टीचर नहीं होते, इस बात को पहले समझ लो। इसमें जो टीचर होते हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे टीचर इंजीनियरिंग वाले टीचर होते हैं, और इनका कोर्स भी बड़ा कह सकते हो भारी भरकम बनता है। पूरी 12वीं की मैथ जिसमें ज्योमेट्री वाले चैप्टर में हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स आने, पूरा का पूरा सेट थ्योरी आना है जो एसएससी में नहीं पढ़ा देता। इसीलिए मेरे भाई इसका ना सारे के सारे जो हमारे पीछे साइड इंजीनियरिंग वाले टीचर है, जो हमारे बैक साइड काम करते हैं, वो सारे के सारे टीचर मैंने एप्लीकेशन पे उतार दिए। अब आपको ये डिसाइड करना है, या तो आप एसएससी वाले टीचर से वो मैथ पढ़ लो जो आपके एग्जाम में आनी नहीं, या फिर एसएससी वाले टीचर से जनरल साइंस पढ़ लीजिए, जनरल साइंस आनी नहीं, और या फिर वो कंटेंट पढ़िए जो आपके एग्जाम में आना है। ये बात मुझे बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का इतना सस्ता, ग्रेड 3 का और ग्रेड 1 का इतना महंगा, ये क्यों? मेरे भाई ग्रेड 1 का सिलेबस पहले देखिए। ये ग्रेड देखो, कोई अगर आपको ग्रेड 3 और ग्रेड 1 का कोर्स एक साथ दिए दे रहा है, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जरा सा भी सेम नहीं है मेरे भाई, जरा सा। हाँ, रीजनिंग जीके भले ही सेम है। तो आप लोग के सामने जो है ना माई पार्सल एप्लीकेशन का लिंक आ गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का यही वाला कमेंट होगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कमेंट होगा। माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट पाने के लिए एक कूपन कोड लगाना होगा, और सर वो कूपन कोड होगा कैपिटल में YOGI10। ठीक है सर, एएलपी और टेक्नीशियन 3 का सिलेबस तो अलग अलग है, सिलेबस अलग अलग है, बट हम आपको जो है ना ज्यादा सिलेबस देंगे। ज्यादा सिलेबस का मतलब यह है कि हम आप लोगों को इस वाले बैच में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस तो देंगे ही देंगे,
साथ में मेरे भाई फ्री में आपको ट्रेड भी देने, हालांकि ट्रेड आनी नहीं है टेक्नीशियन में, लेकिन फिर भी देने ताकि जितने भी बच्चे आईटीआई वाले हैं वो ट्रेड भी पढ़ ले। हाँ बात समझेगा, क्लियर है? और पूछिए। सर जी जो सिर्फ 12वीं पास उसके लिए कौन सा ग्रेड है? मेरे भाई जो सिर्फ 12वीं पास है वो ग्रेड 3 में जाएगा, 12 पीसीएम वाला जो है वो टेबल और टेबल ग्रेड 3 में जाएगा, ये एसएनटी डिपार्टमेंट में आता है, सिग्नल एंड टेलीकोम्युनिकेशन। ठीक है, बैच नहीं चल रहा मेरे भाई, ये देखो याला बैच तो आपका चल रहा है ऊपर वाला, ये जो लेवल 1 का बैच है ना ये 15 मार्च से शुरू हो रहा, अभी नहीं स्टार्ट है, 15 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा, तो आप परेशान मत होइए, अभी हमारे जो टीचर है एक बार वो कानपुर आ जाए, कल आ जाएंगे कानपुर, उसके बाद से 15 मार्च को इसकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं ये ग्रेड 1 में कुछ सब्जेक्ट लाइव चलाऊंगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, ये इसलिए लाइव चलाऊंगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। सर सिर्फ कंप्यूटर का बैच मिलेगा? हाँ, अगर आप इनमें से कोई इंडिविजुअल बैच भी लेना चाहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच लेना है, फिजिक्स का लेना है, सिर्फ मैथ का लेना है, सिर्फ कंप्यूटर लेना है, तो मेरे भाई एप्लीकेशन पे जाकर, माई पार्सल एप्लीकेशन पे जाके आप इंडिविजुअल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको डिस्काउंट के लिए यही कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर यह क्या सीरीज साइंस के लिए एकदम सफिशियंट है? मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपका साइंस का थ्योरी और साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से पता है कि साइंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको एप्लीकेशन पे आने की जरूरत नहीं है साइंस के लिए। मैं आपको यूट्यूब से ही प्रैक्टिस स्टार्ट है, लेकिन अगर मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं कि ब्लड ग्रुप ये होता है, इसने इसने इसको ब्लड दिया, आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो थ्योरी कहां से पढ़ोगे। मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसे बनाता है, कॉन्केव कैसे बनाता है, तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई बात नहीं, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ये क्लास इससे बाहर आपको पढ़ेंगे उतरी। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को पूरा यहां पर अगर एक सवाल में कॉन्सेप्ट पूरा समझाने लगूंगा तो बाकी बच्चों का तो नुकसान होगा ना। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो साइंस का बैच ज्वाइन करके पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है? और बाकी ध्यान रखिएगा, मेरी पूरी गारंटी रहेगी कि 40 में से मैं आपको कम से कम 35 प्लस तक जरूर लेते जाऊंगा। सर मैं 10वीं का है कि 12वीं लेवल का आएगा? अरे मेरे भाई मैंने तो कहा ना ग्रेड 1 में जो मैथ आनी है वो 12वीं लेवल की मैथ आनी है, हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स ये सब पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? हरा सर एलपी में बीएससीडी है और टेक्नीशियन 3 में जनरल साइंस। हाँ बिल्कुल एकदम सही कह रहा है, एलपी में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग है, सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में, एलपी में जनरल साइंस है और ग्रेड 3 में जनरल साइंस पूरी है, ठीक है? चलो फिर, आपको कोई भी और दिक्कत है तो ये जो नंबर मैंने लिखा है 6393125760 आप इस नंबर पे फोन करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। आकाश चौधरी कह रहा है बीएससीडी हो चुका है, मुझे एनसीईआरटी का प्रैक्टिस चाहिए। मेरे भाई एप्लीकेशन में मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का प्रैक्टिस डाल रखा है, तो अगर आप एनसीईआरटी का प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन में जाइए, एनसीईआरटी का प्रैक्टिस है और इसी एनसीईआरटी के प्रैक्टिस बैच के साथ साथ आपको ग्रुप डी 2022 में साइंस जो पूछी गई थी उसका भी प्रैक्टिस, यानी ये दोनों प्रैक्टिस जो है हमारे एक ही बैच में है, ठीक है? चलो फिर, थैंक यू।